back. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम सर्द रहने का इम्कान। हफ्ते को टोरंटो में बारिश और मुंजमद बारिश का इम्कान। इतवार के रोज़ शहर में बादल छाए रहने का इम्कान। कैनेडियन हुकूमत का नई तरजीहात के लिए कुछ महकमों से रकम कम करने का फैसला। सेहत रिहाइश पर अखराजात में इजाफे के लिए 10.5 बिलियन डॉलर दोबारा मुख्तस। अनीता आनंद का कहना था कि टैक्स दहिंदगान के डॉलर शफाफ तरीके से खर्च करने का इरादा कर रहे हैं। गजा की सूरत हाल दुनिया में यरगमालियत का सबसे बड़ा वाकया है। कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर का 200 कैनेडियन के गजा में फंसे होने का इंकशाफ। मार्क मिलर की इसराइली सफीर से मुलाकात भी बेनतीजा रही। रूस की मगरबी ममालिक को एक बार फिर एटमी जंग की धमकी। रूसी सदर का कहना है कि हमारे हथियार मगरबी सरजमीन पर अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। मुमकिन मुदाखलत के नतायज बेहद तकलीफ देह हो सकते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम सर्द रहने का इम्कान है, जबकि हफ्ते के रोज़ टोरंटो में बारिश और मुंजमद बारिश का इम्कान है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम सर्द रहने का इम्कान है। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर टोरंटो में बारिश और मुंजमद बारिश का इम्कान है, जबकि हफ्ते के रोज़ दर्जा हरारत दिन के औकात में 9 और रात के औकात में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक इतवार के रोज़ शहर में बादल छाए रहेंगे, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 9 और रात के औकात में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। ट्रूडो हुकूमत ने नई तरजीहात के लिए कुछ महकमों से रकम हटाने के मंसूबों की नकाब कुशाई की। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ट्रूडो हुकूमत ने नई तरजीहात के लिए कुछ महकमों से रकम हटाने के मंसूबों की नकाब कुशाई की। कैनेडियन हुकूमत 3 सालों में सेहत की देखभाल, रिहाइश पर अखराजात में इजाफे के लिए 10.5 बिलियन डॉलर दोबारा मुख्तस कर रही है। ट्रेजरी बोर्ड की सदर अनीता आनंद ने कहा है कि वफाकी हुकूमत अगले 3 सालों में 69 महकमों, एजेंसियों और क्राउन कॉरपोरेशंस के बजट से 10.5 बिलियन डॉलर दोबारा खर्च करेगी। लिहाजा हम वो बचत करना चाहते हैं जो हम वजारतों में देख रहे हैं और उन्हें उन तरजीहात में डालें जो आप हमारे अहम तखमीनों में देख रहे हैं, जिनमें ये सस्ती रिहाइश, वो सेहत की देखभाल और बुजुर्गों के लिए मुआवनत शामिल है। आनंद ने नए अखराजात का हवाला दिया जिसका पहले ही ऐलान किया गया था, बशमूल दांतों की देखभाल का नया प्रोग्राम जो पिछले साल शुरू हुआ था और नए फार्मा केयर प्रोग्राम वजीर सेहत मार्क हॉलैंड ने जुमेरात को ऐलान किया था। अनीता आनंद ने इस मश के नतायज का भी इंकशाफ किया जो हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में 14.1 बिलियन डॉलर के अखराजात को कम करने और रकम को दूसरी तरजीहात पर दोबारा तवज्जो देने के लिए शुरू की थी। हुकूमत आने वाले साल में 2.25 बिलियन डॉलर की बचत करने की तवक्को रखती है, जो अगले साल बढ़कर 2.8 बिलियन डॉलर
और 2026 तक 2027 में 3.6 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी, जबकि महकमा नेशनल डिफेंस के पास आने वाले साल के लिए सबसे बड़ी वाहिद रिलोकेशन 810 मिलियन डॉलर, इसके मजमूई अखराजात 1.1% बढ़कर 30.6 बिलियन डॉलर होने की तवक्को है। कनाडा के इमिग्रेशन वजीर ने गजा की सूरत हाल को दुनिया में यरगमाल बनाने का सबसे बड़ा वाकया करार दिया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के इमिग्रेशन वजीर ने गजा की सूरत हाल को दुनिया में यरगमाल बनाने का सबसे बड़ा वाकया करार दिया है। कम अज़ कम 200 कैनेडियन अब भी इनक्लेव में फंसे हुए हैं और मुसलसल सिफारती दबाव के बावजूद बाहर नहीं निकल सके। वजीर मार्क मिलर ने कहा, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते कनाडा में इजरायली सफीर से मुलाकात की ताकि जनूबी गजा में रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए लोगों को बाहर निकालने पर तबादला ख्याल किया जा सके। उनका कहना था कि मैंने ये नुक्ता उठाया कि हम जाने बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कैनेडियन और मुस्तकिल रहायशियों के ख़ानदान के अफराद हैं। हम नतायज की तवक्को कर रहे हैं लेकिन हमने कुछ नहीं देखा। उन्होंने सफीर के साथ मुलाकात को तस्लीम करते हुए कहा कि कोई नतीजा नहीं निकला। इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना था कि ये मेरे लिए बहुत मायूस कुन है, मैं एक ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाना चाहता जो नाकाम हो रहा हो, लेकिन हम सब इस वक्त गजा के बाशिंदों को नाकाम कर रहे हैं। ये शायद दुनिया में सबसे बड़ा यरगमाली है। अगर कनाडा लोगों को बाहर निकालने और महफूज बनाने में कोई किरदार अदा कर सकता है तो हम उसे अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी हमें वो कामयाबी नहीं मिली जो हम चाहते थे। फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।